हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग। सॉरी, ये ब्लॉग तो नहीं होने वाला क्योंकि मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं करने वाली हूँ। मैं आज बस आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं 3-4 दिन पहले ही हमारा ओमान कंट्री में आए, 6 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैं ये आज ब्लॉग बना रही हूँ। ये ब्लॉग मुझे 2-3 दिन पहले ही बनाना चाहिए था, जिस दिन कंप्लीट हुआ था उसी दिन, लेकिन मेरी शिविका का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था 3-4 दिन से, इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई। तो हम लोग यहाँ पे आए थे 11 नवंबर रात में आए थे और अभी 11 मई आ गया, तो 6 महीना हम लोग का हो गया पूरा कंप्लीट। और आज 15 मई है और आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ओमान बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत ही अच्छी है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत पीसफुल है। और जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के, जैसे हम इंडियंस और बाकी सब, सबको यहाँ के लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब आपको यहाँ पर अगर आप अपनी कंट्री छोड़ के आओगे यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब कहीं बाहर आके रह रहे हो या आपके साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा आपको कभी किसी भी पल पे आपको महसूस नहीं होगा, ये इतनी अच्छी कंट्री है। ऑब्वियसली जब मैं यहाँ नहीं आई थी, तो पहले जब मैं इंडिया में थी और आने का था, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं लोग कैसे होंगे, जगह कैसी होगी, बहुत डर था मेरे मन में। लेकिन जब यहाँ पे मैं इतने दिन से रह रही हूँ, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ जितने भी फॉरेनर्स होंगे, किसी को भी रहते हुए ये नहीं लग रहा होगा कि हम लोग अनसेफ है या फिर हम अपना घर छोड़ के आए हैं, अपने देश छोड़ के आए हैं और यहाँ पे लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फॉरेनर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। तो चलो, ये तो मेरी शुरुआत की बात थी कंट्री के बारे में, लेकिन और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप इनिशियल स्टेज में यहाँ पर आओगे तो आपको कैसे लगेगा और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं सो बताने वाली हूँ आपको। तो प्लीज़ मेरे साथ इस ब्लॉग में बने। तो सबसे पहला पॉइंट, तो आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होगा क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी और मैंने बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखा था और मैं परेशान हो गई थी। ऑब्वियसली कोई भी परेशान हो जाएगा, अगर आप भी हो और आप एकदम से नई जगह जाओगे तो थोड़ा दिन, कुछ दिन तक एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जैसे मुझे लगा था। मैं जब यहाँ आई तो हम लोग किसी को जानते नहीं थे, मैं किसी को जानती नहीं थी, बाहर ज़्यादा जाती नहीं थी, 10-15 दिन तक हम लोग घर पर ही थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा दिक्कत होता था। एकदम से आप नए माहौल में आ जाओगे, ना किसी को जान रहे हो, ना बाहर का माहौल जान रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था, इसलिए आपको भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी और अगर वर्किंग हो तो भी। अगर वर्किंग हो तो आपका भी नया जॉब है, नया माहौल है, थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। और हाउसवाइफ को थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको एकदम से घर पर रहना है और बाहर का किसी को जान नहीं रहे हो। जब हम लोग अपने एरिया में रहते हैं अपने लोगों के साथ, तो बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो आपको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आओगे तो आप जैसे बाहर गए तो आप किसी को नहीं जानते हो, तो आपको थोड़ा सा लगेगा अकेलापन, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ चली जाएगी जैसे जैसे आप लोगों को जानने लगोगे, तो वो हट जाएगी। इसलिए शुरुआत में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, जैसे मैं थोड़ा सा घबरा गई थी लेकिन फिर ठीक हो गया सब। तो आपको भी बहुत सारा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपको ट्रांसपोर्ट में कहीं आना जाना हो तो वो सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं है, टैक्सी वगैरह है, रेंटेड ये सब, लेकिन वो सब थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए अगर आप फैमिली में हो तो आपको ये अपनी कार या फिर ट्रांसपोर्ट चाहिए, जो कि यहाँ पर मोस्टली सारे ही इंडियन जितने भी होंगे या यहाँ के लोग, सभी के पास अपनी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ रहती है या फिर किसी की कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है और बिना ये पर्सनल गाड़ी के आप यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है फैमिली के साथ। अगर आप अकेले हो तो थोड़ा ठीक भी है, बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है इसलिए। और उसके लिए अगर आप ड्राइविंग जानते भी हो तो यहाँ पे आके आपको ड्राइविंग सीखना होगा, फिर यहाँ पे आप
आपको यहाँ की लाइसेंस मिलेगी तो ही आप अपनी कार ड्राइव कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। और इंडिया का लाइसेंस है तो भी वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ के का लाइसेंस ही चलता है, इसलिए आपको पूरा टेस्ट देना होगा, टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगी। तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है, अगर आप फैमिली के साथ हो तो ये ज़रूरी चीज़ थी इसलिए मैं आपको बता दी, और अगर आप सिंगल हो तो नहीं भी होगा तो मैनेज हो सकता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों का स्कूलिंग का, जो कि मैं भी बहुत परेशान थी जब स्टार्टिंग में आई थी कि शिविका का एडमिशन होगा कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्कूलिंग का बहुत ऑप्शन है सारे फॉरनर्स के लिए भी, जितने भी दूसरे कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं सभी कंट्री के अलग अलग स्कूल बने हुए हैं। अगर आप इंडियन हो तो इंडियन स्कूल में अपने बच्चों को डाल सकते हो, पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी स्कूल में डालो, ओमानी स्कूल है, बांग्लादेशी, सारे जितने भी हैं फॉरनर स्कूल भी है, ब्रिटिश स्कूल भी है, तो आपको जिस भी स्कूल में बच्चों को डालना है आप डाल सकते हो, लेकिन सभी लोग प्रिफेयर करते हैं कि वो अपने कंट्री के स्कूल में ही डालें। जैसे हमने किया था, हमने भी अपनी बच्ची को इंडियन स्कूल में डाला है, तो स्टार्टिंग में सभी पेरेंट्स को लगता है स्कूल का टेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे आके वैसा कुछ नहीं है, आपके बच्चे की आराम से एडमिशन हो जाएगी, एडमिशन में भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से एडमिशन हो जाता है, और सारे स्कूल के स्टाफ टीचर सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी करते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में लग रहा था, लेकिन मेरा सारा टेंशन फिर दूर हो गया। और चौथा टॉपिक है इंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट का, तो उसकी तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है घूमने फिरने का, सामने सामने में बीच है, आप फैमिली को लेके जा सकते हो, बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत ऑप्शन है, चाहे आप अगर कहीं नहीं भी जा रहे हो तो नॉर्मली मॉल में भी अगर लेके जाओगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के लिए, प्ले जोन है, गेमिंग जोन है, बहुत सारा है, तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं है। और घूमने के लिए बहुत सारे रिसॉर्ट वगैरह भी है यहाँ पे, हम लोग ज़्यादा कहीं बाहर जाते नहीं है इसलिए मैंने अभी वो सब का ब्लॉग नहीं डाला है। अगर आप कहीं नहीं भी जा रहे हो तो नॉर्मली मॉल में भी जाओगे तो आपको मतलब बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी, और अगर आप घूमना फिरना बहुत पसंद करते हो तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसलिए इस चीज़ का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल भी यहाँ पे आके बोर नहीं होगे, आपको थोड़ा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और यहाँ पे खूब सारा एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा आपको। तो आई होप गाइज मैंने 5 पॉइंट में आपको पूरा यहाँ का अपना एक्सपीरियंस क्लियर किया है, जो मैंने यहाँ पे रहते हुए फील किया है या देखा है या एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, नमस्ते।